रक्षाबंधन के मौके पर ग्वालियर केंद्रीय जेल में बंद कैदी भाइयों को बहनें राखी बांधने जेल पहुंची। जेल में बंद भाइयों के माथे पर तिलक करते वक्त बहन भाई दोनों के आंखों में आंसू छलक आए। जेल में बने लड्डू से भाइयों और बहनों ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराया। रक्षाबंधन पर ग्वालियर केंद्रीय जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने बड़ी संख्या में बहनें पहुंची। रक्षाबंधन को लेकर इस बार प्रशासन ने जेल परिसर में ही खुले प्रांगण में बहनों के लिए विशेष व्यवस्था की थी, जहां महिलाओं ने लाइन में लगकर अपनी बारी आने पर भाइयों को राखी बांधी और तिलक लगाकर उनके जल्द जेल से छूटने और स्वस्थ रहने की कामना की। इस मौके पर जिला पुलिस बल के अलावा जेल प्रशासन के करीब 150 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। ग्वालियर की सेंट्रल जेल में महिला पुरुष मिलाकर लगभग 3200 कैदी बंद हैं। इनमें लगभग 150 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। जेल प्रशासन ने ही रोली, चावल, राखी और मिठाई की व्यवस्था की थी। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया तरीका से बढ़िया बैठ रहता है, बढ़िया बैठ 2-3 घंटा बिताए अपने आराम से, राखी बांध कर निकल जाए। अब सोच तो जा रहा है कि जल्द से जल्दी छूट के आ जाए। अब कहूँ को ऐसा लगेगा कि अपना भाई यहाँ पे, हम घर पे हैं, सबको बुरा लगता है। भीड़ बहुत थी और मारामारी में नौबत आ गई थी, इतनी भीड़ थी उधर वाले गेट पर बहुत ज़्यादा। समझ लो भैया वो अंदर है, खुशी तो कोई भी नहीं हो सकती जब तक वो बाहर नहीं आ जाएंगे। जब तक अब वो तो आ रहे, उनको अच्छा नहीं लगा तो हमें कैसा लगेगा। नहीं, वहाँ बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक थी। ये पूर्व से ही शासन के निर्देश आ गए थे कि जो जेल में बंदी भाई हैं उनकी बहनों से प्रत्यक्ष मुलाकात कराई जाए। तो पूर्व की भांति यहाँ पे पहले से भी खुली मुलाकात होती थी, तो सुरक्षा के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से मुलाकात कराई जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।